दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज बात करते हैं कि हमारी कुंडली में जो 11वां भाव है, ऐसे कहा जाता है कि 11वें भाव में चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वो हमेशा अधिकांश अच्छा फल देता है, बशर्ते कि वो नीच का ना हो। और चलो नीच का भी है, और नीच का होते हुए भी नीच भंग अगर नहीं बन रहा तो फिर उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके 11वें घर में है। तो सबसे पहले तो कुंडली खोलिए और देखिए आपके 11वें घर में कौन सा घर वहां पे है और क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर 11वें घर में आपके सूर्य हैं, सूर्य जहां पर भी बैठते हैं वहां से वो सातवीं दृष्टि से 11वें घर से आपके पंचम यानी कि पांचवें घर को देखेंगे। आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा बड़े लोगों के साथ होती है, जो हाई सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उस तरह के लोगों के साथ में। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे होंगे। सूर्य क्योंकि एक पापी ग्रह माना गया है, पांचवें घर को देख रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे हो, मतलब बच्चा आपको थोड़ा देर से प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब भी प्राप्त होगा वो काफी सक्सेसफुल और कामयाब रहेगा। बहुत से लोग जिनके 11वें घर में सूर्य पाया जाता है, उनका ज्योतिष विद्या में भी रुझान रुचि होती है। अचानक से धन की प्राप्ति हो तो सकती है, आपका धन एक से अधिक जरिया स्रोत से पैसे मिलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं डिफरेंट इनकम के सोर्सेस बनते हैं आपके लिए। वहीं पर अगर चंद्रमा 11वें घर में पाया जाए तो चंद्रमा भी पांचवें घर को देखेगा। चंद्रमा की दृष्टि पांचवें घर पे होने से या चंद्रमा के 11वें घर में बैठने से आपको अच्छा धन प्राप्त होता है, आप काफी शिक्षित होते हो, नॉलेजेबल होते हो, भाग्यशाली होते हो। चंद्रमा को मां का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए मां से आपको सपोर्ट मिलता है, मां के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुत फायदा होता है। और सिर्फ मां नहीं, चंद्रमा स्त्री को दर्शाते हैं, तो कोई भी एक फीमेल से, एक विमेन से, एक स्त्री से आपको फायदा दिखता है। वहीं पर अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में है, प्रोफेशन में हो, जिसमें आपका जो आपकी जो आमदनी है वो कमीशन से आती है, तो कमीशन से आपको काफी फायदा हो सकता है। आपकी मित्रता या आपके मित्र खास करके विदेश में ज्यादा होंगे। जिंदगी में कठिनाइयां होंगी और चंद्रमा क्योंकि पांचवें घर को देख रहा है, तो संतान में ज्यादा अधिक लड़कियां होंगी और लड़के नहीं होंगे, यानी कि ज्यादातर आपको पुत्र कम होंगे और डॉटर्स ज्यादा होंगी। अब अगर 11वें घर में मंगल पाए जाते हैं आपकी कुंडली में, आप देखिए मंगल जहां पर भी बैठते हैं वहां से वो चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को देखेंगे। दृष्टि उनकी इस तरह से है, तो इस परिस्थिति में 11वें घर से वो दूसरे घर को देखेंगे, पंचम स्थान को देखेंगे और छठे घर को देखेंगे। भूमि से, लैंड से आपको काफी फायदा होगा। ये मंगल का 11वें घर में रहना आपके जो बड़े भाई या बहन है उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, उनके साथ में संबंध में भी कठिनाई आ सकती है। मंगल का पांचवें घर को देखना हो सकता है कि अगर आप बच्चे की इच्छा रखते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कि बच्चा होने में देरी हो सकती है, या तो फिर डिफिकल्टी हो सकती है, या तो फिर अगर आप एक फीमेल हैं तो एक स्त्री हैं तो मैं देख सकता हूं कि एक एबॉर्शन, एक मिसकैरेज, या कम से कम जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं जिसको सिजेरियन करना,
वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। मंगल क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं जो कि कुटुंब भाव है, तो रिश्तेदारों के साथ में आपकी अनबन काफी रहेगी। आपको भूमि से और गाड़ियों से काफी फायदा होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें जो पैसा है, आप बैंक से ले लो तो बात अलग है, लेकिन किसी का पैसा, चाहे वो फिर कोई क्यों ना हो, मित्र हो, भाई हो, कोई भी हो, किसी का पैसा अगर आपने बिजनेस में लगाया तो वहां पे आपको हानि होने की संभावना है। आपको स्त्री से यानी कि फीमेल से और आग से दूरी बनाए रखनी चाहिए, उनसे आपको खतरा है। अब अगर बुध पाए जाते हैं ग्यारहवें घर में, अब बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि है जो पंचम स्थान को देखेंगे, वो ऐसे में आप बहुत बुद्धिमान हो, किसी एक विषय नहीं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पे आपका ज्ञान बहुत अच्छा होगा। अगर आप ट्रेडिंग में, कॉमर्स में, इन जगहों पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, कमीशन पे काम करते हो तो बहुत फायदा होगा। आपके जीवन में आपका भाग्य उदय 34 साल 34 ईयर्स के बाद में ही दिखाई पड़ता है। आपके बहुत सारे मित्र होंगे और मित्र ज़्यादा अधिकांश अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर के होंगे। आपकी भूख कम होगी, यानी कि ज़्यादा नहीं खाओगे आप, और सेक्सुअल रिलेशनशिप में थोड़ा आप असंतुष्ट रहोगे हमेशा। अब बात करते हैं कि अगर गुरु ग्यारहवें घर में पाए जाए तो गुरु जहां पर भी बैठते हैं वहां से वो पंचम स्थान को, सातवें घर को और नौवें घर को देखते हैं, जहां पर भी वो बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्यारहवें घर में अगर गुरु हैं तो वो आपके तीसरे भाव को, पांचवें भाव को और सातवें भाव को देखेंगे। आपकी दोस्ती, जो सोसाइटी में बहुत हाई लोग होते हैं ना, उनके साथ होती है। आपकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ में होती है जो बहुत, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेज होता है, ऐसे लोगों के साथ में आप पाए जाते हो। आपकी खुद की भी जो नॉलेज है वो काफी, चाहे किसी मंत्र को लेकर के, धार्मिक चीजों को लेकर के, फिलॉसफी को लेकर के, बहुत जबरदस्त आपकी नॉलेज होती है। जिंदगी में आपको गाड़ियों का सुख अच्छा मिलेगा और बहुत सी चीजों में आपको संघर्ष कम करना पड़ेगा और थोड़े संघर्ष से भी आपके पास चीजें आसानी से आ जाएंगी। गुरु का पंचम भाव को देखना, बच्चे कम होंगे लेकिन जितने भी होंगे, जो भी होंगे, वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, आपकी इज्जत करेंगे और वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब रहेंगे। अगर ग्यारहवें घर में शुक्र पाए जाते हैं तो शुक्र ग्यारहवें घर से पंचम स्थान को देखेंगे, आपको हर प्रकार का मुनाफा, गेन और आमदनी के स्रोत मिलेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका संबंध कुछ औरतों के साथ और गलत औरतों के साथ होने की संभावना है। अब मैं इस पे ज़्यादा अपना अपने विचार नहीं रखूँगा, आपको समझ जाना चाहिए मैं जब गलत किसी की बात कर रहा हूँ तो। जबकि आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी होंगी, बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट कला के क्षेत्र में रहेगा। आप पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते से, इलीगल वे से भी चीजों को करने में हिचकिचाओगे नहीं, कर सकते हो, लेकिन संभाल के करना है आपको। पहली बात तो नहीं करना है, लेकिन अगर करना है तो। शनि देव अगर ग्यारहवें घर में पाए जाते हैं, ये काल पुरुष में उनके खुद का घर है, शनि देव जहां पर भी बैठते हैं वहां से उनकी तीसरी दृष्टि
सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि होती है। ऐसे में वो आपके लग्न को देखेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे, पांचवें घर को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। बहुत ज्यादा पैसा, अच्छी सेहत, अच्छा नसीब, लेकिन शादी के बाद बच्चे होने में देर हो सकती है, कभी 5 साल 7 साल तक भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आपके संबंध आपके बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छे नहीं होंगे। एजुकेशन में, पढ़ाई में रुकावटें, जिसको हम एजुकेशन में ब्रेक कहते हैं, और उसी तरह का सातवीं दृष्टि जो पांचवें घर में पड़ रही है, तो रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर भी ये ज़्यादा आपके लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। आप अपने बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपको, आपने जितना भी किया उस आपको उसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा, कोई आपको उम्मीद मत करना कि आपको कुछ ज़्यादा अच्छा मिले उससे। लेकिन आप अपने हिसाब से करोगे, लेकिन आपको सामने वाला उस चीज़ की कदर नहीं करेगा। अब बात करते हैं राहु की और केतु की। दोनों ही ऐसे ग्रह हैं, पहले राहु की बात करता हूँ, जहाँ पर भी राहु बैठते हैं वहाँ से गुरु की तरह पंचम भाव, सातवें भाव को और नवम स्थान को देखेंगे। अब राहु ऐसे में आपके तीसरे घर को, पांचवें घर को और सातवें घर को देखेंगे। राहु का 11वें घर में बैठना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आपको फायदा मिलता है फॉरेन लैंड से, फॉरेनर्स से, और जो जात के बाहर के लोग होते हैं। ये भी देखा गया है कि 11वें घर में अगर राहु हो, दृष्टि सातवें घर में पड़ रही हो, तो आपकी शादी हमेशा जात के बाहर होती है, आप कास्ट में शादी नहीं करते हो। एजुकेशन में, पढ़ाई में ब्रेक आने की संभावना होती है, और बच्चा होने में या थोड़ी कठिनाई हो सकती है। राहु का पंचम भाव को देखना कभी कभी, मगर किसी औरत की कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो एबॉर्शन, मिस कैरेज होने की संभावना बनी होती है। और अगर ऐसा नहीं भी है, तो कम से कम बच्चा होने के वक्त डॉक्टर कह सकता है कि ये सिजेरियन करना पड़ सकता है। आपको जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कहते हैं, उससे फायदा होगा। आपका जो मित्र मंडली है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और साथ साथ में आपको कान से संबंधित कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु अगर 11वें भाव में है, वो भी पंचम, सातवें और नवम भाव को देखेंगे, तो केतु भी तीसरे घर को, पांचवें घर को और सातवें घर को देखेंगे। यहाँ पे केतु आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, एजुकेशन में ब्रेक ला सकते हैं, बच्चा होने में कठिनाइयां आ सकती है। आप पैसे को दबा के रखने वाले व्यक्ति हो, आसानी से कोई आपसे पैसा निकाल नहीं सकता। पूर्वजों की प्रॉपर्टीज जो आपको मिलनी चाहिए, वो मिलने में काफी कठिनाइयां आ सकती है, बहुत कठिनाइयां आ सकती है इसमें। तो ये एक चीजें हैं, और ये है सभी अलग अलग ग्रह अगर 11वें घर में बैठे हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, और एक बात सुन लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ एक ही घर की बात की है, 11वां घर कोई एक ग्रह बैठा है, लेकिन बाकी के ग्रह भी हैं, तो मेरी बातों को सुनकर के ये मत समझना कि अरे मेरे बारे में तो कुछ बोल दिया गया। नहीं, बाकी के ग्रह भी हैं, उनकी भी दृष्टि होंगी, उनकी भी महादशा अंतरदशा होंगी, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।